हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये आपका चैनल है, मेरे से ज़्यादा आपका चैनल है। आपके लिए ही वीडियोस आती रहती हैं, आप सभी के लिए। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही वीडियो लाइक लेकर आया हूँ रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो आज हम ये माइक जो टूट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है, इसका रिपेयरिंग वीडियो लेकर आए हैं। ये अंदर से बिल्कुल खींच चुका है और ये गिर गया था तो टूट चुका है बिल्कुल। तो इसको पूरा फिक्स करने के लिए हम वीडियो आज आपके लिए बनाए हैं। आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि कभी कभी माइक टूट जाते हैं, खींच जाते हैं, गिर कर टूट जाते हैं। तो इसीलिए आपको इसका रिपेयरिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि इसका रिपेयरिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। अगर मिस्त्री के पास ले जाएंगे तो वो 150 से 200 रुपये ले लेगा इसको ठीक करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कितने कम से कम बजट में, कम से कम खर्च में इसको सही कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए तो एक बार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो अभी इसका रिपेयरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, इसका हम कम से कम कॉस्ट में इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं, इसका लास्ट में काम आएगा। तो अभी इसको स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। पहले इसको खोल लेना है, दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। बिल्कुल लाइव वीडियो दिखाऊंगा, नो कट वीडियो रहेगा। अभी मैंने सोल्डरिंग आयरन को लगा दिया है हीट होने के लिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सोल्डरिंग आयरन हमारा हीट हो रहा है। तो अभी ये खोल ले रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये खुल चुका है। इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी माइक की किट है, यही मेन होता है। ये तो सिर्फ बॉडी है जो हमें पकड़ने के काम में आती है, ग्रिप बनाती है। मेन ये माइक किट है। ये माइक किट में से तार टूट चुका है बटन से। तो जो ये वाला वायर है, ये दोनों हमारे माइक में जा रहे हैं। तो इसी को हमें सोल्डरिंग कर देना है। तो इसी इसी में हमको ये वाला वायर को सोल्डरिंग करना रहेगा। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तार किसमें का है? तो ये ग्राउंड वाला तार है, ये समझ लीजिए निगेटिव एक तरह से, ये ग्राउंड वाला तार है। तो ग्राउंड वाला तार हमेशा ग्राउंड के साथ में ही होता है, तो जानते ही होंगे। ये ग्राउंड वाला इसे ग्राउंड में कर देंगे। और ये अपना प्लस वाला तार है जो सिग्नल देता है, सिग्नल वाले तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे बीच वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये बटन है ऊपर करेंगे तो इसमें कनेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। चलिए इसको ज्वाइंट करके दिखाते हैं आपको। पहले माइनस वाले को ज्वाइंट कर लेता हूँ जो ग्राउंड हमारा है। मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो इसीलिए लाता हूँ कि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलती रहे और आप लोग भी अपने खुद से रिपेयर करें, ताकि आपको महंगा ना पड़े, कॉस्टली ना पड़े। तो यहाँ से हमने ज्वाइंट कर लिया ग्राउंड वाला तार, और ये अभी बीच वाले पॉइंट पे हम इसको जो हमारा सिग्नल वाला तार है प्लस का पीला वाला वायर, इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग हो गई, इसका हो गया। तो ये अभी इसके आर पार तो जाएगा नहीं, तो इसको हमें डिसोल्ड कर लेना है। इसको डिसोल्ड कर लेना है क्योंकि बॉडी के इधर से डाल के वायर को पार कर देंगे अंदर से डाल के, तब ये लगेगा। तो इसको डिसोल्ड कर ले रहे हैं, हीट कर देंगे और वायर को निकाल देंगे। बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है।
आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं है, बस आप लोग एक बार देख लीजिए वीडियो को, देख लेंगे तो कहीं और कन्फ्यूजन रहेगी तो फिर दोबारा वीडियो को देख कर आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसे हमें नुकसान नहीं फ़ायदा ही है, क्योंकि रिपेयरिंग वाले पैसे अक्सर ले ही लेते हैं ज़्यादा। जैसा कि आप लोग काम कर रहे होंगे तो पता होगा कि रिपेयरिंग वाले कैसे पैसे लेते हैं। तो चलिए इसको हम फिक्स करते हैं, इसमें फिट कर देते हैं। तो इस वायर को इसमें डाल देना है, पीछे निकालना है हमें इसको बॉडी के। तो इसको पहले डाल देंगे बटन को, हमारी जो इसको हम अभी बंद कर दे रहे हैं, ज़्यादा हीट हो रहा है। अभी देखिए इसको यहाँ पे लाके फिक्स कर देना है, आराम से लाएंगे, आसानी से पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। धीरे धीरे करेंगे, ये यहाँ पे बैठ गया। तो यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे, ये तो कोई भी कर लेगा, तो इसको टाइट कर लेंगे इसमें। तो आपने अगर हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान होने चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए। अगर हम डीजे वाले भाई हैं तो हमारे पास ये सामान होना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैंने प्रॉपरली स्क्रू को फिट कर दिया है, बटन को स्क्रू से पूरा कस दिया है। ऐसा ही आपको बिल्कुल कस देना है इसको, बटन को फिक्स कर देना है कस के, और पीछे के वायर को बाहर निकाल लेना है। तो इसमें जो दो नंबर का पिन रहेगा, यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा इन तीनों पिन में, तो दो नंबर पिन पे हमें पॉजिटिव का कनेक्शन कर देना है और तीन नंबर पिन पे निगेटिव का कनेक्ट कर देना है। जैसे ये पीला वाला है, ये प्लस है, तो प्लस को दो नंबर में, और ये वाइट वाला ग्राउंड है तो इसको तीन नंबर में कनेक्शन कर देना है, और इसको वापस अपने स्थान पर इसको स्क्रू से फिक्स कर देना है, इसको स्क्रू से फिक्स कर देना है। इसका प्रॉपरली जो होल है, होल के सामने बिल्कुल रखना है। अगर नहीं जा रहा है तो आपको प्लास की सहायता से इसको थोड़ा सा इधर उधर करके फिक्स कर लेना है, और स्क्रू से पूरा कस लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल मैं इसको कस दे रहा हूँ, ये फिक्स हो गया है। तो अभी ये बिल्कुल ओके हो चुका है, सिर्फ इसकी कैप को लगाना है। कैप को बिल्कुल ऐसे लगा देंगे, और इसमें इसका कैप बिल्कुल टूट चुका है, प्लास्टिक टूट चुकी है। तो इसमें हमें एरोलाइट जो आती है हमारी बॉन्डटाइट, उसमें दो ग्लू रहते हैं, एक हमारा बॉन्डटाइट रहता है, एक क्या बोलते हैं अपना हार्डनर रहता है। तो दोनों को मिक्स करके हम इसको फिक्स कर देंगे, जैसे स्पीकर को फिक्स करते हैं। इसको दोनों को मिला के ऐसे रख के दोनों को आरी आरी अंदर अंदर पूरा ग्लू को डाल देंगे, और ऊपर से इसको डाल के ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा चिपका देंगे, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए आप लोगों को इसको इसकी टेस्टिंग भी दिखा देते हैं। तो हमने पूरा कनेक्शन पहले से करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों का समय ना ख़राब हो। तो एम्पलीफायर को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, एम्पलीफायर ऑन हो गया। ये हमारा माइक का जो केबल है, XLR केबल 3 पिन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। और मिक्सर को भी ऑन कर लेते हैं, मिक्सर ऑन हो चुका है, इसका वॉल्यूम खोल लेते हैं, अभी देखते हैं चालू होता है कि नहीं। हेलो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, ये इसी माइक से आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्रॉपरली से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। आप लोगों को भी ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है, अपनी माइक को ऐसे ही रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप मिस्त्री के पास जाएंगे, रिपेयर वाले के पास जाएंगे, तो आपसे वो 150 से 200 रुपये तक चार्ज करेगा इसको ठीक करने के लिए। तो आप पैसा बर्बाद ना करें, मात्र मेरे हिसाब से 5 रुपये में ही बिल्कुल ओके हो चुका है, 5 रुपये भी इसके नहीं लगे होंगे। बस सोल्डरिंग, ये आयरन को हीट करना था, हीट करके इसके वायर को चिपका देना था बस, दो ताकि ये टूटे थे, ऐसा ही आप करना है। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही बढ़िया ढंग से ये काम कर रहा था, जैसे नए पे काम करता है। बस
अभी आवाज़ मेरी आवाज़ फट रही थी क्योंकि ये अभी इसकी फिल्ट्रेशन जो जाली है वो नहीं लगाई गई थी, मैं डायरेक्ट इससे बोल रहा था। तो आप ये जब जाली लगा देंगे तो ये इसमें ना डस्ट जाएगी ना ही आवाज़ फटेगी, क्योंकि यहाँ से आवाज़ की साथ में जो अपनी हवा जाती है, प्रेशर निकलता है आवाज़ का, वो यहाँ पर रुक जाता है। तो इसलिए अभी मेरी आवाज़ फट रही होगी आपको अगर सुन रहे होंगे तो, इसलिए ये जब लगा देंगे तो कोई फटने की आवाज़ का शिकायत नहीं आएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं अपने अपने हाथ से अपने घर पर। जब भी आपको समय मिले आप वीडियो मेरी वीडियो देख के अपना रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का खर्चा आया होगा, बस 2 टाके ही लगाने थे। इसका जो वायर था यहाँ से इसको हिट करके 2 टाके लगा दिए ऊपर, 2 टाके नीचे, और इसको फिक्स करना था जहाँ पर जहाँ इसकी स्थान है वहीं पर इसको फिक्स कर देना था स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो आप लोग भी अपने घर पर बिल्कुल आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं माइक को, बिल्कुल ही आसानी से। मिस्त्री के पास जाते तो मिस्त्री आपको इसको ठीक करने के लिए 150 से 200 रुपये चार्ज करता, तो आप 5 रुपये में ही ठीक कर पाए हैं इस माइक को, जैसा कि मैंने आपको लाइव दिखाया। तो आप भी अपना पैसा बर्बाद ना करें, अपने हाथ से रिपेयरिंग करें। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी हमारे डीजे वाले भाई हैं आपके एरिया में, आपके जो साथ में काम करते हैं, उनके पास भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, वो भी अपना पैसा बर्बाद करने से बचें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आपके हेल्प के लिए हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।